एचआईवी का डर, उसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार से एक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। यूट्यूब में काफ़ी कमेंट्स आती है, फेसबुक के ऊपर हमको काफ़ी कमेंट्स आती है, सवाल आते हैं। तो उस पर से एक व्यक्ति ने जो हमको पूछा कि भाई उसने जो भी हिस्ट्री दिया उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा और उसका इलाज भी बता दूंगा। उनका कहना ऐसा था कि करीब करीब 28 साल की उम्र है और 6 महीने पहले वो कोई सेक्स वर्कर के पास में, वेश्या के पास में गए थे, अननोन लेडी थी, उसके साथ में संबंध आया और मालूम नहीं था कि वो सेक्स वर्कर है। ऐसी कहीं मिल गई, दोस्ती हो गई और बाद में सेक्स किया, मगर उसने बिना कंडोम, बिना निरोध का सेक्स किया और बाद में उसको वो एकदम से डर बैठ गया कि अभी मुझे एचआईवी हो जाएगा, क्योंकि वो तो सेक्स वर्कर थी और मैंने गलती किया, अब कैसा होगा। अब वो 6 महीने से डर सताया जा रहा है। उसके तुरंत बाद एचआईवी की टेस्ट किया मगर उसमें कुछ नहीं निकला, नील था, पर बताया था कि नहीं भाई वो कुछ महीनों के बाद में भी एचआईवी पॉजिटिव निकल सकता है। तो फिर उसने अभी भी कुछ दिन पहले एचआईवी का टेस्ट किया मगर उसमें भी कुछ भी निकला नहीं, नील। मगर तभी भी उन्होंने लिखा है कि बहुत फिक्र लगती है, ऐसा लगता है कि मैं जान देना चाहिए, काम में दिल नहीं लगता, फिर एक एक दिन मतलब भूख नहीं लगती, भूखा रहता हूँ और बार बार ऐसा विचार आता है कि मैंने एचआईवी की टेस्ट और दोबारा करना चाहिए। उससे बीपी बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और चिंता बहुत सताती है, सोच आती है कैसा होगा, क्या होगा, नींद नहीं आ रही है और कम से कम पिछले 5-6 महीने में 6 किलो वजन कम हो चुका है। अब डर है कि अभी करूँ क्या। सब तरह का इलाज किया मगर वो विचार नहीं जाता, वो डर रहता है, डर सताते रहता है कि भाई अभी क्या करूँ, मुझे एचआईवी हो जाएगा तो मेरी हालत तो खराब हो जाएगी। तो उनका कॉल भी आया तो मैंने उनको बोला कि भाई ठीक है, अभी ये जो है ये आपका डर है, ये आपके विचार ऑब्सेशन है, ये बार 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 विचार आते रहते हैं, आपको डर भी है एचआईवी का, एचआईवी फोबिया भी हो चुका है और अभी इसमें आपको उसके साथ रहना होगा। मतलब क्या, कि भाई ठीक है ये विचार आ रहा है, आपको मालूम है कि रियलिटी में वो नहीं है, रियलिटी में हमने सब टेस्ट किया हुआ है, कुछ निकल नहीं रहा, मगर विचार आ रहा है, गिल्टी लग रहा है, अपराध बोध होता है, तो ठीक है उसके साथ में रहो, मैं थोड़ा आपको मेडिसिन देता हूँ, वो मेडिसिन लो, मेडिसिन से विचार कम हो जाएंगे। और उसको मैंने बोला भाई हम ऐसा करेंगे, हिप्नोटिज्म करेंगे, काउंसिलिंग करेंगे और हिप्नोटिज्म में फिर विजुअलाइजेशन टेक्निक, इमेजिनेशन टेक्निक वो उसको हमने सिखाया, उसके ऊपर हिप्नोथेरेपी दिया, कुछ मेडिसिन भी दिया और फिर धीरे 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 उसको उसमें से अच्छा लगने लगा। बेसिकली क्या होता है कि जिनको ऑब्सेसिव ट्रेट थोड़े से होते हैं, फोबिया के ट्रेट से, डरा हुआ इंसान है, एंग्शियस है, फोबिक पर्सनैलिटी है या सेंसिटिव पर्सनैलिटी है, उसने ऐसा कुछ तो भी किया तो वो गड़बड़ हो जाती है। मुझे ऐसे ही कहना है कि भाई ये जो है ये एचआईवी तो कभी भी किसी को हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है कि एचआईवी हुआ मतलब लाइफ खत्म हो गई। इसका ये भी मतलब नहीं कि एचआईवी आया तो कोई चिंता नहीं करना, ऐसा भी नहीं। एचआईवी आया तो ठीक है, आज इनको एचआईवी पॉजिटिव निकला हुआ है, वो दवाई लेते हैं और गोलियां लेके उनका जीवन वो जीते हैं, उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अपने को एड्स नहीं होना चाहिए, ऑटो इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि एचआईवी की अगली स्टेप जो है वो एड्स है। एचआईवी हो गया, दवाई लिया, आज लोग एचआईवी है 10-15 साल से, मतलब जब से एचआईवी निकला तब से चालू है उनको, और उनको कुछ नहीं हुआ, वो जी रहे, दवाई है और वो जी रहे दवाई खा के, उनको कुछ होता नहीं, एड्स कभी हुआ नहीं। हाँ एड्स हुआ तो प्रॉब्लम है, एड्स हुआ तो फिर ठीक है। एड्स में क्या होता है कि सभी प्रतिकार शक्ति कमजोर हो जाती है शरीर की, और सब प्रतिकार शक्ति कम होने के बाद में फिर कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है और बीमारी से वो मर जाता है। तो उनको होता है कि ठीक है चिंता मत करो, वर्ष कम वर्ष क्या होगा, बुरे से बुरा, बोले एचआईवी होगा, बोले एचआईवी होगा तो चिंता मत करो, उसकी भी दवा देंगे। जब उसको मैंने एश्योर करते गया, हिप्नोथेरेपी, कुछ मेडिसिन, उससे धीरे 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 वो अच्छा लगने लगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। हमारा जो लक्ष्य है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, उसमें भी ये मिशन में आपका हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं
और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।